मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत जीपी पर आधारित कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों हमने जीपी पर आधारित कुछ फॉर्मूला बताया था और कुछ वर्क्स भी दिया गया था। हालांकि वर्क्स बहुत आसान थे, उम्मीद करते हैं आप सभी ने वर्क्स को जरूर पूरा कर लिया होगा। तो आज कुछ और सवाल पर डिस्कस करते हैं हम लोग जीपी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का पहला सवाल, आज का पहला क्वेश्चन है जीपी 5:20:80.51120 में पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो ये जो शुरू में है ये प्रथम पद कहलाएगा, यानी प्रथम पद ए का मान 5 हो गया। ठीक, अब देखो कितना गुना वृद्धि हो रहा है, 5 × 20 = 20, 20 × 80 4 गुना। तो जितना गुना वृद्धि होता है वो कॉमन रेशियो या आर कहलाता है। और अंतिम में जो पद रहता है, अंतिम वाला जो पद रहता है उसको ए एन से सूचित करते हैं। ए एन बराबर है 5120। ठीक है, अब हम लोग ए एन का सूत्र यूज करेंगे, ए आर पर पावर एन माइनस 1। ठीक, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ए एन का मान है 5120, ए का मान है 5, आर का मान है 4 पर पावर एन माइनस 1। ठीक है, 5 को इधर लेते आइए, 5120/5 हो जाएगा बराबर 4 × (n-1)। ये कट गया, 5 × 50, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। ये हो गया 10 × 24 = 4 × (n-1)। ठीक है, अब 10 × 24 का यदि आप खंडन कीजिएगा, 10 × 24 = 256 / 56 = 64 / 32 / 16 / 8 / 4 / 2। तो चूंकि राइट साइड में 4 × (n-1) है तो कोशिश करेंगे इसको भी 4 × लिखे। तो देखिए ये 2 × 4 = 2 × 4 = 2 × 4 = 2 × 4 = 2 × 4 = 2। तो 4 × 1 = 2 × 3 = 4 = 5 हो गया। तो 10 × 24 के बदला लिखेंगे 4 × 5 = 4 × (n-1)। ठीक है, अब दोनों का बेस मैच कर रहा है, बेस कैंसिल हो गया, 5 = (n-1), 1 - इधर आकर के प्लस हो गया, यानी n का मान हो गया कितना, 6। n का मान 6 हो गया, यही हो गया हमारा पदों की संख्या। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक 3 × 3² × 3³ के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 3280 होगा। सॉल्यूशन पर चलते हैं।
तो ये सब तो समझने में दिक्कत नहीं होगा कि प्रथम पद ए का मान एक है, और देखो एक को तीन से गुना कीजिए तो ये पूरा, तीन को फिर तीन से गुना कीजिएगा तो तीन स्क्वायर, तीन स्क्वायर को तीन से गुना कीजिएगा तो तीन क्यूब, मतलब कॉमन रेशियो जो है वो तीन है। और ये योग दिया गया है तो एस एन बराबर लिखेंगे 3280, क्लियर है। चलिए अब योग वाला सूत्र पर हम लोग यूज करेंगे एस एन बराबर ए। देखिए आर का मान जो है वो तीन है जो एक से बड़ा है, तो ये आर पर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक है। चलो एस एन का मान दिया गया है 3280 बराबर ए, ए का मान एक, आर का मान तीन दिया है बटे तीन घटा एक, ठीक है। ये हो गया दिस इंप्लाइज 3280 बराबर तीन पर पावर एन माइनस वन, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बटे दो, ठीक। दो से एक तरह से कोना कोनी गुना हो गया तो थ्री पर पावर एन माइनस वन बराबर ये हो गया 6560, ठीक है। एक माइनस उधर जाकर के प्लस, तीन पर पावर एन बराबर 6560 प्लस एक, तीन पर पावर एन बराबर 6561। अब भाई 6561 का खंडन निकाल दीजिए, तीन दूनी छ, तीन गा तीन अठे चौबीस, तीन सत्ती इक्कीस, तीन अठे चौबीस, ठीक है। तीन क्या गो हो गया, तीन तीन छ दो आठ गो हो गया, तीन का संख्या कितना हो गया आठ हो गया। तो ये लिखेंगे दिस इंप्लाई तीन पर पावर एन बराबर तीन पर पावर आठ, बेस बेस दोनों का कैंसिल हो गया इसीलिए एन का मान आठ हो गया, पदों का संख्या कितना हो गया आठ। चलिए पूरा कर लीजिए इसको, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीपी का पांचवा पद 81 एवं दूसरा पद 24 है, तो इसका जीपी ज्ञात करें, इसका जीपी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद बराबर ए, और चूंकि जीपी से रिलेटेड है तो उसमें मानते हैं सार्वानुपात, इसको हम लोग आर मान लेते हैं, सार्वानुपात को क्या मान लिया आर मान लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसीलिए पांचवा पद दिया गया है, पांचवा पद बराबर 81, पांचवा पद को लिख सकते हैं ए आर पर पावर चार, है ना,
जितना है उससे एक कम, बराबर 81। समीकरण नंबर पहला। पुनः फिर दूसरा पद जो है वो 24 दिया गया है, तो फिर से यहां पर लिखेंगे दूसरा पद बराबर 24। तो दूसरा पद को हम लोग लिखेंगे ए आर। जैसे चौथा पद पांचवा पद था तो एक कम कर दिया, सिर्फ दूसरा पद है तो आर पर पावर एक हो जाएगा, बराबर हो गया 24। समीकरण दो। आप लोगों को ध्यान होगा इस टाइप का सवाल एपी में भी होता था, तो उसमें हम लोग दोनों समीकरण को हल करते थे, तो हल करते थे विलोपन विधि से, जोड़ते या घटाते जो भी करते थे विलोपन विधि से करते थे। लेकिन इसमें जो है ये गुणनफल के रूप में है, इसीलिए इसमें विलोपन विधि संभव नहीं है, इसमें हम लोग एक में दो से भाग दे करके करेंगे। तो लिखेंगे एक में दो से भाग देने पर, एक में दो से भाग देने पर, तो एक नंबर है ए आर पर पावर 4 और दो नंबर है ए आर, ठीक। दोनों का लेफ्ट में लेफ्ट से भाग दिए, बराबर राइट से राइट में 81/24, ठीक। तो देखो ए तो कट गया, ये कटा दो 3 से, 3 27 81, 3 8 24, ठीक। अब देखो भाग में पावर घटता है, तो आर पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 में 1 गया, आर पर पावर कितना बचा 3, और इधर 27/8 है, 27 को 3 का क्यूब और 8 को 2 का क्यूब, इस पर हम लोग होल क्यूब दे सकते हैं ने? तो ये 3 पावर 3 पावर मैच कर गया, यानी फाइनली आर का मान हो गया 3/2, आर का मान 3/2 हो गया। अब आर का मान रख दो चाहे एक में चाहे दो में, हमको दो में ज्यादा आसान बुझाता है, तो आर का मान दो में रखते हैं, इससे एक का मान निकल जाएगा, आर का मान दो में रखने पर, तो दो नंबर है ए आर बराबर 24, दिस इम्प्लाइज ए आर के जगह 3/2 = 24, 3 से कट गया 8 बार में, ए बराबर 2 भाग है उधर जाकर के गुना, 8 × 2 = 16, ठीक। ए आर निकल गया, इसीलिए यहाँ क्या कर रहा है निकालने के लिए, इसका जीपी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, जीपी ज्ञात करना है। तो जीपी का मतलब हुआ उतना गुना आपको करते जाना है, मतलब आप ये समझ लो मान लिया जाए 5 है ए और आर का मान है 3, तो कहेगा इसका जीपी लिखने के लिए तो पहला लिखिएगा 5, उसके बाद 3 + 5 = 15, फिर 3 से गुना 45, फिर 3 से गुना 135, इस तरह से, ठीक है। ये 5 और 3 के लिए रहेगा, तो लेकिन यहाँ पर ए का मान जो है वो 16 है और आर का मान 3/2 है, तो पहला मान तो आप 16 ये लिखिएगा, उसके बाद अगला क्या कीजिएगा, तो 16 × 3/2 साइड में कर दीजिएगा, तो 8 + 3 = 24, फिर अगला कहिएगा तो वही करना है 24 में फिर 3/2 से गुना, तो 2 × 12 = 36, फिर 36 में 3/2 से गुना, 18 + 3 = 54, इस तरह से डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। यही हो गया आपका जीपी, यह हो गया आंसर। चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। लिखिए किसी जीपी का 7वां कोमा
एगारवा एवं पंद्रहवा पद क्रम से सातवा एगारवा एवं पंद्रहवा पद क्रम से एक्स वाई जेड है। तो साबित करें, पीटी मना साबित करें, तो साबित करें एक्स वाई जेड जीपी में। जीपी का ये पांचवा पद, इसमें सातवां है, ग्यारहवां है और पंद्रहवां है, तो हमको साबित क्या करना है, एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए। तो देखो जनरली आपको तीन पद हम जीपी में लिख करके बताते हैं, जैसे तीन हुआ, छ हुआ, बारह हुआ, तीन दूनी छ, छ दूनी बारह, तो जीपी में है। तो जीपी का विशेषता क्या है कि बीच वाला का स्क्वायर कीजिएगा तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। देखो छ का स्क्वायर 36, तीन गुना बारह 36। तो यदि एक्स वाई जेड जीपी में होगा तो हमको ये साबित करना है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा तभी एक्स वाई जेड जीपी में कहलाएगा, राइट। तो याद रखना है जिसको भी जीपी में साबित करना है उसके बीच वाला का वर्ग शुरू और लास्ट के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चलो इसको ऐसे बनाएंगे, माना प्रथम पद बराबर ए, सार्वानुपात बराबर आर मान लेते, ठीक। ये सातवां ग्यारहवां और पंद्रहवां पद है। सातवां पद है एक्स, एक्स का मतलब हो गया सातवां पद को लिख सकते हैं ए आर पर पावर छ, राइट। अच्छा सातवां के बाद ग्यारहवां पद बराबर वाई दिया है, तो ग्यारहवां लिखेंगे ए आर पर पावर दस बराबर वाई, ठीक। पुनः लास्ट वाला पंद्रहवां पद बराबर जेड दिया गया है, इसको लिखेंगे ए आर पर पावर चौदह बराबर जेड, ठीक है। चलो एक्स वाई जेड हो गया, अब हमको साबित करना है एक्स वाई जेड जीपी में, तो यहां लिखेंगे लैंग्वेज साबित करना है एक्स वाई जेड जीपी में है अर्थात y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, यही साबित करना है। चलिए अब प्रमाण पर चलते हैं, प्रूफ पर चलते हैं, LHS से चलते हैं, ये हो गया। चलिए LHS क्या है हमारा, इसमें ये हो गया y स्क्वायर, LHS हो गया y स्क्वायर। अब y का मान बैठा दीजिए भाई, y का मान दिया गया है ये देखो a r पर पावर 10, इस पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा a स्क्वायर r पर पावर 10 दूनी 20, LHS हो गया। चलिए अब RHS पर चलते हैं, RHS देखो क्या है, RHS है x इंटू जेड, ठीक। तो ये x का मान बैठा दीजिए, ये रहा x का मान a r पर पावर 6, z का मान ये रहा a r पर पावर 14, तो a स्क्वायर r पर पावर 20 दोनों बराबर हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। रुक रुक गया, यही साबित करना था। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग, चलिए इसको मिटा रहे हैं अब।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी जीपी के तीन पदों का योग 19 तथा गुणनफल 216 है, 216 है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन, तीन पदों का योग दिया है जीपी का, तो मान लेते हैं जीपी में आपको तीन पद जब रहे तो आपको बताया है क्या क्या मानना है। माना जीपी के पद या माना अभीष्ट पद, ऐसे डायरेक्ट अभीष्ट पद ए बटे आर, देख लीजिए तीन के लिए जो मानने के लिए बताया है ए ए आर, राइट। चलिए अब जो आसान है, इस गुणनफल दिया रहे तो पहले इसके गुणनफल पर चलिए, योगफल वाला बाद पर चलिए, योगफल वाला बाद में चलेंगे। प्रश्न से पदों का गुणनफल ये दिया गया है आपको 216, राइट। इसको लिखेंगे, तीन वो पद है ए बटे आर इंटू ए इंटू ए आर बराबर 216, ठीक है। आर आर कट गया, ये हो गया ए क्यूब बराबर 216, 216 को हम लोग छोटा क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब कट गया, ए का मान हो गया 6, ए का मान क्या हो गया 6 हो गया। अब ए का मान तो निकल गया, बचा आर का मान, चलिए योग दिया गया है 19, अब पुनः लिखेंगे पदों का योग जो दिया गया है बराबर 19, दिस इंप्लाइज तीनों को जोड़ दीजिए, ए बटे आर प्लस ए आर बराबर 19। देखो भाई ए ए ए तीनों में है, ए कॉमन ले लो, एक बटे आर जोड़ 1 जोर आर बराबर 19, मान बैठा दो, ए का मान 6 दिया है, इधर अंदर में लघुत्तम आर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 19, ठीक। 6 से ऊपर गुना हो जाएगा और आर को उधर गुना कर दीजिए, 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर बराबर 19 आर, 19 आर को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो ये आपका बनता है, दिस इंप्लाइज एडजस्ट कर लीजिए पहले आर स्क्वायर को, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6 माइनस 19 आर बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड आप जानबे करते हो, 6 4 36 से 13 तो 9 4 13, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 बराबर 0, 3 आर कॉमन, 2 आर माइनस 3, 2 कॉमन, 2 आर माइनस 3, ये हो गया 2 आर माइनस 3, 3 आर माइनस 2, ठीक है। चलिए आप इसको दो पार्ट में बांटते हैं, 2 आर माइनस 3 बराबर 0, आर बराबर इससे 3/2, आर का मान हो गया 2/3, ठीक। तो ए भी निकल गया और आर भी निकल गया, अब पद निकालते हैं, जब ए बराबर 6 आर बराबर 3/2, इसलिए अभीष्ट पद ए बटे आर ए ए आर, मान बैठा दीजिए, ए के जगह 6 बैठाना है, 6 बटे 3/2 कॉमा 6, फिर ए इंटू आर यानी 6 इंटू 3/2, ठीक। देखो ये 2 3 6 3 बार में कट गया,
एक तीन दूनी छ, दो बार में कट गया, देख दो उलट जाएगा, चार कोमा छ कोमा नौ। ठीक, अब पुनः ये आंसर हो गया आपका अभिष्ट पद। ये हुआ जब आर का मान तीन बटे दो रखे, अब आर का मान दो बटे तीन भी आया है, तो अब यहां पर लिखेंगे जब आर बराबर सॉरी ए बराबर छ और आर का मान इस बार उलट जाएगा तीन बटे दो, इसीलिए अभिष्ट पद बराबर हो गया ए बटे आर कोमा ए कोमा ए आर। मान बैठा दीजिए, ए बटे आर का मान ए का मान छ और आर का मान तीन बटे दो, छ ए आर, ए का मान छ आर का मान तीन बटे दो, ठीक है, तीन ओ सॉरी दो बटे तीन था यहां, दो बटे तीन, दो बटे तीन, तो ये दो तीन छ तीन बार में कट गया, तीन उलट जाएगा तो तीन तीन नौ कोमा छ, तीन दूनी छ दो दूनी चार, ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इसमें जो है आपको एक दोनों स्थिति में प्रथम पद ए का मान और आर का मान निकल गया, तो हम लोग तीनों पद का मान निकाल दिए, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्क लिखिए जिसको आपको कल कंप्लीट करके आना है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, चलिए पहला सवाल वर्क के रूप में। पहला सवाल है दो चार आठ सोलह डॉट 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 बीस सौ अड़तालीस के पदों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा सवाल है रूट तीन कोमा तीन कोमा तीन रूट तीन कोमा नौ डॉट 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 सात सौ उनतीस के पदों की संख्या ज्ञात करें, के पदों की संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट है एक कोमा दो कोमा दो स्क्वायर कोमा दो क्यूब डॉट 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 के कितने पदों का योग 511 होगा, के कितने पदों का योग 511 होगा। सवाल नंबर चौथा, किसी जीपी का पचवां आठवां ग्यारहवां पद क्रमशः ए बी सी है, तो साबित करें
एबीसी जीपी में है। पांचवा, किसी जीपी का सातवा, ग्यारहवा, पंद्रहवा पद क्रमशः एल एम पी है, तो साबित करें एम स्क्वायर बराबर एल इंटू पी। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी जीपी का पांचवा एवं आठवा पद क्रमश अड़तालीस एवं 384 है, तो जीपी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी जीपी के तीन पदों का योग 13/12 तथा उसका गुणनफल 1 है, तो पद ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आज। जो नहीं बनेगा उसको आप लोग डायरेक्ट फोटो खींच करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।